हमारा। अच्छा ये बताइए मुहर्रम में सबसे पहले खिचड़ा किसने बनाया? आप लोग जानते हैं सबसे पहले खिचड़ा किसने बनाया? हर साल जलसा होता है छोरिया में, ये सब चीजें सीखिए। बताओ सुनेंगे आप लोग? अरे सुनेंगे। हाँ पर ऐसी मैंने पूछ लिया, वो सुन लीजिए। मैंने कहा कि खिचड़ा किसने बनाया, सब लोग खामोश। एक शख्स उठा, ना हम जानते किसने बनाया था। बोला ये सब भी कुछ पूछने की बात है? बोला अच्छा बता दीजिए। बोला आप नहीं जानते हैं? हम बोला अच्छा आप जाने बताइए ना किसने बनाया था, ताकि लोगों को समझा दिया जाए। ये सब मशहूर बात है, करबला में बना था खिचड़ा। अच्छा करबला में जहाँ कब कब बना था? ना सात मुहर्रम को। देखिए किसने बनाया था, कितने मन खड़ा बात है। मैंने कहा किसने बनाया था? बोला इमाम हुसैन ने बनाया था। कहाँ? करबला में। कौन तारीख को बनाया था? बोला सात मुहर्रम को। बोला अच्छा और फिर बनाया था? बोला हाँ दस मुहर्रम को बनाया था। बोला और फिर? बोला फिर बारह मुहर्रम को। उसको पता नहीं कि दसें मुहर्रम को शहादत मिली, बारह को बनाने तुम गए। सोचने की बात, ताज्जुब है मुसलमानों। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बारह को किनारे रखिए, सात और दस वाले में थोड़ी बात करें आपसे। बोला हाँ बोलिए। बोले ये कन्फर्म है कि सात को करबला में बना था? बोला हाँ। बोला बारह दस को भी बना था? बोला हाँ। बोला अच्छा ये बताइए कि पानी करबला में बंद कब हुआ था, जो मशहूर है भाई? बोला सात मुहर्रम को। सात मुहर्रम को बंद हुआ? बोला हाँ। आठ को बंदे रहा? हाँ। नौ दस को बंदे रहा? हाँ। बोले ये बताइए जब सात मुहर्रम को पानी बंद हो गया, पानी मिलते नहीं कर रहा था, तो चावल को वहाँ सिझाया और गलाया, किसी को बताना होगा। सोचने की करबला में खिचड़ा बना तो भाई चावल बना कैसे? याद रखो खिचड़ा बनाना हुसैन की सुन्नत नहीं है, खिचड़ा बनाना किसी शहीद की सुन्नत नहीं है, खिचड़ा बनाना नबी की सुन्नत है। अरे जोर से बोलो, हाँ नबी की सुन्नत है। खिचड़ा बनाना किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। सबसे पहले खिचड़ा मुहर्रम की दसवीं तारीख थी, जब जूदी पहाड़ थी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लगी थी, जो सबसे वक्त कई दिनों के बाद जो खाना बना था सबके पास, किसी के पास जौ है, किसी के पास अरहर है, किसी के पास मसूर है, किसी के पास उड़द है, किसी के पास कोई और दाना है, सबने अपने अपने तरफ से दाने को निकाला, एक बर्तन में जमा किया, और जमा करने के बाद उसे गलाया गया, उबाला गया, बनाया गया। तो पूछा था लोगों ने इसमें अनेक दाने हैं, इसे खाने का नाम क्या है? तो हजरत नूह ने कहा था इस खाने का नाम आज से खिचड़ा रखा जाता है। वही 10 तारीख थी जो खिचड़ा बना था। खिचड़ा बनाना नबी की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो किसकी सुन्नत है? आप लोग भी खिचड़ा बनवाते हैं घर में? अरे फातिया करते नहीं करते? नहीं करते हैं? करते हैं। उसमें गोश्त भी मिलाते हैं? अरे गोश्त भी करते हैं कि नहीं? बकरी का गोश्त? हाँ बकरी का? बकरी का भी खिचड़ा बनाते हैं ना गोश्त? ना ना खस्सी का, बकरी का नहीं ना। हमने एक जगह पूछा कि बकरी के खाए नहीं, वहां सब वो लेडीज है, बकरी लेडीज है, लेडीज है, उसको खिचड़ा कैसे बनाएंगे? खिचड़ा में हम बोले जब हमारे घर में लेडीज खिचड़ा बना सकती है, तो लेडीज को खिचड़ा में कहां डाल सकते हैं? सोचने की बात, जब लेडीज को खिचड़ा में डाल दिएगा तो लेडीज बना के खाई खाई लेडीज लोग की बनाएगी, बनाएगी लेडीज लोग, कहेंगे लेडीज को उसमें पट जाएगा तो कायदी डाल सकते हैं। सुनो इन सब खराब एक जगह पर खतरा है, ताज्जुब की बात बता रहा हूँ। मुर्गा सभा करते ना हम लोग? अरे बोलो बोलो भाई, मुर्गा फतिया करते हैं कि नहीं? वो सब मुर्गा चलता है। कौन मुर्गा? हाँ देसी। कौन मुर्गा? हाँ वो भी देसी में हूँ। कौन? हाँ और अगर मुर्गा बड़ा हो लेकिन अगर बोलता नहीं है, बांग नहीं देता है, उसको कहे साहब इसी जान से मरकर किधर जा रहे? बोला बाजार जा रहे हैं मुर्गा। हमारे घर में मुर्गा है? बोला है तो जरूर हजरत, लेकिन ये नहीं मुहर्रम में चलेगा। हम बोले मुहर्रम में नहीं चले गए, मुहर्रम भर लंगर हो जाते हैं, कहाँ की चले? बोला नहीं वो बात नहीं है, ये मुहर्रम में जमा नहीं होता। बोले कौन मुर्गा है रे? इसका गला है ना लोहा है रे, मुहर्रम में जमा नहीं होता। काहे की जमा होगा? जमा करने से तुम ही जमा हो जाएगा, काहे की जमा होगा?
ये मुर्गा बांगता नहीं है। अच्छा तो क्या है? बोला ये बांगता नहीं। हम बोले कोख है। अरे ये मतलब हुआ क्या? बोल नहीं रहा है तो गोंगा है, गोंगा है, कोख है। बोला कोख मुर्गा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। बोला चलने की बात नहीं है, इमाम हुसैन को बगैर बांगल मुर्गा पसंद होगी। अच्छा बगैर बांगल पसंद नहीं है। मैंने कहा सुनो आपको भी मैं कहता हूँ, आपका गांव ये कौन सा है? थोरिया। कौन सा है? थोरिया। यहाँ अगल बगल के लोग भी आए हैं, पुरनी भी फलना देखना गांव के। मैं कहता हूँ आपके मस्जिद में, आपके मस्जिद में आप भी नमाज पढ़ने जाते हो, जवान भी, बूढ़ा भी, बच्चे भी, पीर भी, फकीर भी, हाफिज भी, खारी भी, आलिम भी, सब जाते हैं। अब उसी जाने वालों में से सब कुरान की तिलावत जोर से कर लेता है, कारी है तो और अच्छी आवाज में पढ़ लेता है, मौलाना है तो भला से पढ़ लेता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा उतना नहीं है तो कुरान उतना अच्छा नहीं पढ़ता, मारूफ नहीं पढ़ता, मजहूली पढ़ता, लेकिन कुरान पढ़ता है। जोर से कहो, जोर से पढ़ लेगा। उसी बाप सब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, आप ही लोगों के साथ में आपके मोहल्ले का एक आदमी वो गया जो ना हाफिज है, ना मौलाना है, ना आलिम है, ना फाजिल है, वो भी मारूफ कुरान नहीं पढ़ता, मजहूर पढ़ने वाला, लेकिन जोर से नहीं पढ़ पाता है, वो आदमी है गोंगा। वो गोंगा आदमी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाए, अब ये बताइए कि जोहर में नमाज पढ़ने जाएगा तो उसको नमाज पढ़ने दीजिएगा, भगा दीजिएगा? जोर से बोलो, ईमानदारी से बोलो, पढ़ने दीजिएगा? असर पढ़ेगा तो पढ़ने दीजिएगा? मगरिब इशा फजर पढ़े पढ़ने दीजिएगा? जुमा पढ़ने जाए पढ़ने दीजिएगा? ईद बकरी पढ़े पढ़ने दीजिएगा? अब मैं कहता हूँ चलो, जैसे हमने रुकू किया है वैसे ही गोंगा भी रुकू करे, जैसे हम सजदा करें वैसे गोंगा भी सजदा करे, जैसे हम कयाम करें वैसे गोंगा भी कयाम करे, जैसे हम सब नमाज पढ़ते हैं वैसे ही वो गोंगा भी नमाज पढ़े। अब ईमानदारी से बताओ, क्या जिस तरह अगर अल्लाह मेरे सजदे को कबूल फरमाएगा उसी तरह गोंगे के सजदे को कबूल फरमाएगा कि नहीं? बोलो बोलो, फरमाएगा फरमाएगा कि नहीं? जिस तरह हम सजदा करें वैसे ही वो सजदा करें। तो जब हमारी नमाज खुदा को पसंद है तो गोंगे की नमाज खुदा को पसंद है कि नहीं? अरे बोलो भाई, पसंद है कि नहीं? जब गोंगा आदमी खुदा को पसंद है तो गोंगा मुर्गा हुसैन को पसंद नहीं है? पसंद है, वहाँ मुर्गा नहीं देखा जाता। सुनो तो बात सुनो, वहाँ तुम्हारी दौलत हुसैन नहीं देखते हैं, हुसैन हमारी और आपकी मोहब्बत को देखते हैं। मोहब्बत देखते हैं। हमने जोड़ा मुर्गा, हाँ चार मुर्गा ले आया है, बड़ा बड़ा मुर्गा लाया, खा ले, खातिया के लिए लाए हैं। कल कह रहे थे पशुए नहीं है, आज पशुआ इतना कहाँ से आ गया? आपको पता नहीं है, दोनों भाई बहन सब नहीं लड़ा था, जुमना और जुमरतिया। अच्छा हाँ, दोनों भाई बहन लोग बोला कि फैसला कर दीजिएगा तो उससे भी 1,500, इससे भी 1,500 ले लिए, 3,000 हो गया, चार मुर्गा लेकर के आ गए। सूद का पैसा लेकर के आ गया, हम बांगल मुर्गा दे रहे हैं, पैसा देखो बांगल है कि नहीं? रिश्वत का पैसा ले लिया है, बेईमानी का पैसा लिया है, और उसके बाद में कहता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुसैन आजम ने ना आज तक किसी से रिश्वत नहीं है, ना रिश्वत लेने को कहा है, हुसैन ने कभी झूठ बोला है, ना झूठ बोलने को कहा है। अरे इसी रिश्वत को मिटाने के लिए करबला हुसैन गए, इसी झूठ को खत्म करने के लिए करबला हुसैन गए, इसी इस्लाम की सच्चाई को फैलाने के लिए करबला हुसैन गए। आज जाओ हुसैन का नारा लगाने वालों, ऐसा बंद करके दिखा, गुलाम हुसैन बनने की कोशिश कर, हुसैन की मोहब्बत दिल में बसाने की कोशिश करो। हुसैन आजम से अकीदत रखने वालों, 5 मिनट और सुनने, सुनेंगे आप लोग 5 मिनट और? अरे सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और सुनो, माशाल्लाह हवा को कोई दिक्कत है ना? है ना, माशाल्लाह ये सब अच्छे हमारे भाई लोग सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से जलसा सुन रहे हैं। इमाम हुसैन की अकीदत में जलसा सजाया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इन बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमा, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमा। जोर से बोले आमीन, और जोर से बोले आमीन। और एक चीज़ याद रखिए, जितना भी नारा लगा, अभी देखते नहीं हमारे
किसी ने मेरे हाथ को चूमा, किसी ने बड़े हजरत के हाथ को चूमा, किसी ने और हजरत के हाथ को चूमा, किसी ने शायर साहब के हाथ को बोसा दिया, और क्या कहते हैं हजरत, दुआ कर दीजिएगा।